अभी खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है, और मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। और आप लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी, ये निश्चित रूप से लिख लीजिए। मंत्री हमारा है, विभाग हमारा है, तो हम क्रेडिट क्यों ना लें? और यही मुख्यमंत्री जी जो 2020 के चुनाव में कहते थे कहाँ से पैसा लाएगा, कहाँ से नौकरी देगा, तो हमने, आपको पता होगा कि हमारी जो सरकार बनी थी इनके नेतृत्व में वो 9 अगस्त 2022 में बनी थी, और 15 अगस्त को मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया था। ये किसका विजन था, ये किसकी सोच थी? तो जो मुख्यमंत्री कहता था कि असंभव है नौकरी देना, उसको हमने एक हफ्ते के अंदर जो है उनसे बुलवाने का काम किया, जो कहता था असंभव है। तो हम लोगों ने जिस हिसाब से विकास के काम किए, नए नए नीति लाए, टूरिज्म डिपार्टमेंट हमारे पास था, हमने टूरिज्म पॉलिसी लाया, आईटी डिपार्टमेंट राजद कोटा में था, हम लोगों ने जो है आईटी पॉलिसी लाई, और भी कई जो पॉलिसीज हैं हम लोगों ने लाने का काम किया, स्पोर्ट्स पॉलिसीज हम लोगों ने लाने का काम किया। जो खेलेगा उसको भी नौकरी मिलेगा सरकारी, और जो पढ़ेगा उसको भी नौकरी मिलेगा। शिक्षा विभाग किसका था? राष्ट्रीय जनता दल के पास था। हमारे मंत्रियों ने लगातार जो है नौकरियां देने का काम किया, और ये 17 महीने में जो काम हुआ है, ऐतिहासिक काम हुआ है, जो आज तक पूरे देश में नहीं हुआ है, और ये भाजपा और नीतीश जी की तो सरकार 17 साल भी रहे, तो 17 साल बनाम 17 महीने जो काम हुआ, एक विभाग ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का काम किया, एक विभाग ने एक दिन जो है 70 दिनों के अंदर जो है 2 लाख से भी ऊपर जो है हम लोगों ने नियुक्तियां पत्र वितरण करने का काम किया। ये ऐतिहासिक काम है, किसी भी राज्य में नहीं हुआ, और अब तक हम लोगों की सरकार ने लगभग जो है, जो गवर्नर ने भी जो स्पीच दिया अभी 26 जनवरी को, तो 3.5 लाख से ऊपर की बात कही उन्होंने नौकरियां दिया, तो किसके राज्य में हुआ, किसका विजन था? तो कहीं ना कहीं से जो लोग कहते थे कि इनके लोग काम नहीं करते, अरे हम लोगों ने तो इतना इनसे करवाया, जिनका कोई विजन नहीं था, जो थक गए थे, थके हुए मुख्यमंत्री थे, उनको हम लोगों ने इतना काम करवाया, तो इतना काम तो हुआ ही है सारा। और आप लोग सब लोग जानते हैं कि जो भी बातें ये कह रहे हैं इनको खुद भी नहीं पता, हालांकि हम कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, और हम इतना अपने लोगों को आश्वस्त करते हैं कि ना हम में गुस्सा है, ना हम में नाराज़गी है, हम बड़े संयम रूप से हम लोगों ने गठबंधन धर्म का जो है पालन किया है, और उसी हिसाब से हम लोग आगे जनता के बीच अपनी बातों को रखेंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से मैं कह देना चाहता हूँ कि अभी खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है, और मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ, और आप लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी, ये निश्चित रूप से लिख लीजिए। और अभी तो खेल शुरू हुआ है, खेल बाकी है, अभी इन लोग जो भी करें, लेकिन मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि जनता हमारे साथ है और हमारा साथ देगी। और हम तो भाजपा के लोगों को भी धन्यवाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, चलो जनता दल यूनाइटेड को अपने साथ लिया। उन्होंने कहा कि आपने मजबूर कर दिया उनको, किस चीज की मजबूरी थी ऐसी, क्या तर्क देंगे उनके साथ के सहयोगी पूछ रहे हैं, तर्क क्या देंगे? शिक्षा व्यवस्था में सुधार जो अब तक नहीं हो पाया था, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, चिकित्सा में अस्पतालों को बेहतर करना, रोजगार देना, आर्थिक न्याय देना, स्वयं सहायता समूहों के मानदेय को दुगुना कराना, पॉलिसीज लाना। तो इससे सोच रहे थे कि भाई ये नौजवान है, हम इतने साल से मुख्यमंत्री हैं, अब तक ये काम 17 सालों में भाजपा के साथ डबल इंजन में रह करके नहीं कर पाए, और ये डिप्टी सीएम होकर के इनकी राजद के मंत्रियों ने इतना काम कर दिया, तो ये पच नहीं रहा होगा। आपका क्या रह गया इस सरकार में, जो आपने 10 लाख की वादा किया, किस किस डिपार्टमेंट में बाकी रह गया जो आपने नहीं कर पाया? लगभग हर जगह निपटा। और हम आपको बता दें, पिछले 2 कैबिनेट से पब्लिक हेल्थ कैडर का फाइल इन लोगों ने रोक रखा है, जिसमें लगभग 1 लाख से भी ऊपर नियुक्तियां हैं। हम लोगों ने
पास भी किया सारी चीजें, लेकिन ये लोग कैबिनेट में नहीं आने दे रहे, दो कैबिनेट से नहीं आने दे रहे, चाहे आशा वर्कर का भी है, ये भी आने वाला है जल्दी। तो हम लोग तो देखिए काम में विश्वास रखते हैं, हम लोग तो रात रात भर घूम करके छापा भी मारने का काम किया है, कहीं कमी हो तो उसको दुरुस्त करने का काम किया है, ईमानदारी से काम किया, धर्म निभाया। लेकिन अभी तो खेला बाकी है, आज भले ही लोग ओथ ले लें, लेकिन कितना दिन ये लोग रहेंगे इनको कुछ नहीं। जनता के बीच में आप क्या कह कर जाएंगे, क्योंकि आपने बड़ा सही, आपने जैसा ने कहा कि संयम बरते, आपके तरफ से अभी तक कुछ नहीं कहा गया, सरकार गिर गई, तो अब आप क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो आपसे उम्मीद लगाए रखे थे। सरकार हम लोगों ने बड़े उम्मीदों के साथ बनाया था, और किस उद्देश्य के साथ बनाया था वो नीतीश कुमार जी ने आपको उस समय बताने का भी काम किया। ये गए हैं, इन्होंने इसकी हत्या की है, तो जनता इसका जवाब देगी। सम्राट चौधरी सर पे मुरेठा बांध के घूम रहे थे कि इनको, अब देखिए इस पे क्या टिप्पणी, पुरानी बात नहीं, काम की बात होनी चाहिए, कौन क्या कहता था, ये क्या हुआ नहीं हुआ, अब ये तो सारा इतिहास है, लेकिन हम तो आगे के बारे में सोच रहे हैं, और आगे यही है कि खेला भी बाकी है, और हम लोग मिल करके जो है जो विजन के साथ आए हैं उस विजन को हम लोग पूरा करेंगे जनता के साथ। सर एक सवाल, जिस तरीके से वो विधानसभा में भाषण दे रहे थे, जहां मंच पे जा रहे थे, कुछ ऐसे एक्टिविटी थी उनको लेकर जिसके लेकर पूरा बिहार में चर्चा था, आप क्योंकि उनके साथ कैबिनेट में रहे, मुख्यमंत्री रहे, हर जगह आप साथ बैठे, आप तो जान ही रहे, जब नीतीश कुमार जी हमारे साथ होते थे मंच से, हम लोग बातें करते थे तो क्या क्या नहीं बोलते थे, कितना काम कर रहे हैं, ये काम हुआ, आज तक कभी नियुक्ति पत्र किसी सरकारों ने बिहार सरकार नीतीश कुमार जी को बांटते हुए देखे थे क्या? हम आए तब ना बंटवाना शुरू किए, उसके बाद ना भारत सरकार बांटना शुरू किया, ये सब भूलता है कोई। बीजेपी को क्या कहेंगे, बीजेपी ने कहा शुभकामना है बीजेपी के लोगों को, बीजेपी के लोगों को शुभकामना, इससे ज्यादा भी हम इंडिया गठबंधन आपका सुख खत्म हो गया एक तरह से। अरे इंडिया गठबंधन मजबूत है, ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। उन्होंने कहा था कि हम मर जाएंगे दोबारा बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन एक बार फिर से वो पलटी मार दिए, पूरा देश पूछ रहा है। नहीं इस पे क्या बोल रहा, ज्यादा हमको नहीं कहना, इसमें जवाब जनता देगी।